जिसे अमेरिकी थार इसराइल का आयरन डोम नहीं कर पाते खत्म। रूस का S-400 भी जिसे मिटाने में हो रहा नाकाम, उसे भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने चुटकियों में कर दिया राख। आकाश NG और BMD के बाद भारत का एक और तहलका। भारत ने बना डाला नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, भारत का चीन और पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा रहता है और साल 2020 के बाद तो चीन के साथ काफी तनाव बढ़ चुका है। चीन की हरकतें अब समंदर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लिहाजा भारत पिछले कुछ सालों से खुद की तकनीक से इजाद किए हथियारों को तैनात कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद तो भारत ने बड़ी स्पीड के साथ सैन्य तैनाती बढ़ाई है और अब दोस्तों भारत ने चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार, या यूं कहिए कि चीन के खिलाफ जिस हथियार को सबसे ज्यादा मारक माना जा रहा था, उसे तैयार कर डाला है। दोस्तों, भारत ने इस हथियार के लगातार दो टेस्ट किए हैं जो पूरी तरह से सफल रहे हैं। भारत का ये नया हथियार S-400 का भी बाप है, यानी जो हमले अब तक S-400 से नहीं रुक सकते थे, अब इसके तांडव के आगे भी वो खाक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको भारत के इस नए तूफान से रूबरू करवाता हूँ, साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत ने अपना खुद का आयरन डोम कैसे तैयार किया है। भारत ने बना लिया खुद का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ब्रह्मोस की तरह ये मिसाइल सिस्टम है दुश्मनों का कार। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा महाहथियार बना लिया है जो रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह ही हवाई कवच बनाएगा। दुश्मन की तरफ से तेज गति से भेजा गया फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन या हेलीकॉप्टर इसकी मार से नहीं बच पाएगा। खास बात यह है कि इसे आसानी से उठा करके एक दूसरी जगह पर रखा जा सकता है, हर सीमा पर इसे तैनात किया जा सकता है और इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इसी सप्ताह इस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो एकदम रूस के S-400 की तरह ही निकला है। दोस्तों, इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। इससे दुश्मन की यान, विमान, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को भागने या बचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे चीन के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक तो ये साइज में छोटा है और इसे छोटी गाड़ियों में वहां तक लेके जाया जा सकता है जिन पहाड़ियों पर भारत का चीन के साथ में तनाव चल रहा है। दूसरा, ये पूर्णतया भारत की तकनीक से बना है तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दोस्तों, DRDO ने उड़ीसा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR चांदीपुर में बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विशोर ADS का सफल परीक्षण किया है, वो भी एक नहीं बल्कि दो परीक्षण। दोस्तों, इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा गया है, यानी इसे कोई भी आसानी से किसी भी जगह पर दाग सकते हैं, चाहे वो चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हों या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा या सियाचिन का ग्लेशियर। इसकी मदद से तेज गति से आने वाले विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है। विशोर ADS बेसिकली एक कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में ही विकसित किया गया है। दोस्तों, इसे बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद में मौजूद रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की अत्याधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसके साथ ही कुछ और तकनीक इसके अंदर जोड़ी गई हैं, जिनका खुलासा DRDO ने नहीं किया है। दोस्तों, इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है, जो इसे तेज गति प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। विशोर ADS का वजन 20.5 किलोग्राम होता है और इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और व्यास 3.5 इंच का है। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लेकर के जा सकता है। दोस्तों, इसकी रेंज 250 मीटर से लेकर के 6 किलोमीटर तक है और ये अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।
इसकी अधिकतम गति मैक 1.5 है, यानी ये 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार करता है। दोस्तों ये तो हुई भारत के इस छोटे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात। इसके अलावा भारत एक और ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जो रूसी S-400 से 12 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसका काम भी फाइनल स्टेज में है। DRDO ने बना लिया है रूस के S-400 का भी बाप। लंबी से लेकर शॉर्ट रेंज में खाक होंगी दुश्मन मिसाइल। दोस्तों आने वाले वक्त में तकरीबन हर देश को मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी दुश्मन देश अगर किसी देश पर मिसाइल से हमला कर दे तो उस मिसाइल को हवा में ही जिस सिस्टम से खत्म किया जाए उसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और हाल ही के दौर में आपने देखा होगा कि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है, लेकिन इसके साथ ही भारत अपनी तकनीक के साथ ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो अमेरिका के थार, इसराइल के आयरन डोम या फिर रूस के S-400 से फार फार बेटर हो, जिसकी ताकत और रेंज बेशुमार हो। और दोस्तों बड़ी बात तो ये है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर के कि दुनिया के कई देश भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए प्री ऑर्डर तक दे चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि भारत किस लेवल के हथियार तैयार कर रहा है। तो चलिए आपको भारत के इस कमाल के हथियार के बारे में आपको बता देता हूं, जिसका एक एक नहीं बल्कि दो दो अवतार तैयार हो रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भारत को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल दोस्तों भारत पहले इजराइल द्वारा तैयार किया गया आयरन डोम खरीदने का प्लान बना चुका था, लेकिन फिर भारत को यह पता चला कि इजराइल के द्वारा बनाया गया ये आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ छोटे हथियारों को, छोटी मिसाइलों को ही मार गिरा सकता है, ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार नहीं गिरा सकता। लिहाजा भारत ने खुद ही ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का प्लान तैयार किया जो ऑलराउंडर हो। तब आकाश एनजी का कॉन्सेप्ट सबके सामने आया और इस पर काम करने का प्लान तैयार हुआ। दोस्तों आकाश एनजी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों आकाश एनजी में ड्यूअल पल्स सॉलिड मोटर है जो इसकी गति को बढ़ा देता है। इसकी रेंज 40 से लेकर के 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरो मल्टीफंक्शन रडार यानी MFR लगा है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों और विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर के जा सकता है। फिलहाल भारत में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला है आकाश MK1 जिसकी रेंज है 30 किलोमीटर, दूसरा है आकाश MK2 इसकी रेंज है 40 किलोमीटर और तीसरा है आकाश NG इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। दोस्तों आकाश एनजी फिलहाल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन की विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका भी नहीं देता है। इसकी गति है 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। दोस्तों आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन देशों की किसी भी मिसाइल को रोक सकता है। दोस्तों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता है, लेकिन भारत का आकाश एनजी इस मिसाइल को भी रोक देता है। दोस्तों आकाश एनजी फिलहाल कितना अहम हो चुका है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिलीपींस, बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड, UAE, वियतनाम और बाकी करीब 1 दर्जन से ज्यादा देश आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों भारत की रफ्तार यही नहीं रुकती। भारत बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए एक मल्टीटास्क बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सिस्टम को तैयार करने की पहल पहले ही कर चुका है। खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को देखते हुए इसे शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत 2 मिसाइल डेवलप की गई हैं। पहली ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरा कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इन दोनों को अलग अलग मिशन के तहत शुरू किया गया। रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर से दूर आ रही मिसाइलों को भी मार गिरा देती हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को दिसंबर 2007 में भी टेस्ट किया गया था और इन पर लगातार काम चल रहा है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के टेस्ट के साथ ही भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद चौथा देश बन चुका है। इस सिस्टम की टेस्टिंग अभी लगातार चल रही है और ऑफिशियली तौर पर इसे सेना में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन मोदी सरकार जल्द ही वो खुशखबरी भी सबको देने वाली है।
दोस्तों इस सिस्टम के तहत नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके उन्हें विकसित किया जा चुका है। तो वहीं 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए हाई स्पीड मिसाइलों को विकसित किया जा रहा है। ये नई मिसाइलें अमेरिका के थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा एडवांस होंगी। इनकी गति हाइपरसोनिक होगी और इनमें 1500 किलोमीटर से ज्यादा की स्कैन करने की क्षमता वाले रडार शामिल होंगे ताकि वो टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर पाएं।